दीदी, इतनी कोशिशों के बाद कोर्ट की डेट एक महीने बाद मिली है, अब पता नहीं शादी कैसे होगी। वही तो है पूजा, शादी कोर्ट में हो या रस्म रिवाज के साथ, शादी तो शादी होती है। अब शोभा दीदी को बाबूजी ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्सा हो गई। पूजा, बड़े दिनों के बाद दीदी की जिंदगी में खुशियों को आने का मौका मिला है। दीदी को इन खुशियों को खुशी खुशी हासिल करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। यही तो मैं भी चाहती हूँ। ऐसा क्यों ना करें, हम दीदी को चल के समझाते हैं। और जब बाबूजी चाहते हैं कि रस्म रिवाज के साथ शादी कर ले, तो दीदी क्यों जिद पे अड़ी हुई है, कर लेनी चाहिए शादी। ताज्जुब की बात है, किसी कुंवारी लड़की की शादी में इतने नाज नखरे नहीं देखे थे जितने उस बुढ़िया शोभा की शादी में देख रही हूँ। माँ जी, तमीज से नाम लीजिए दीदी का। क्यों, ठीक ही तो कह रही हूँ। एक तो इस उम्र में शादी करने जा रही हूँ और फिर इतनी शर्तें, बर्बाद हो गया बेचारा आनंद। एक बात बताओ, तुम तीनों बहनों ने मर्दों को फंसाने के गुण कहाँ से सीखे? माँ जी, कहिए तो आपको भी सिखा दो, आप भी फंसा लीजिए किसी को। तुम्हारी ये हिम्मत, मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी कि आप हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इस बार छोड़ देती, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जबान चलाती है? जैसे बात करेंगे वैसे ही जवाब मिलेगा। बात भी कर सकते हैं और हाथ भी उठा सकते हैं। आए। आप इतनी जल्दी? काम खत्म हुआ, स्ट्रेट बैक होम। How are you? Very well, दीजिए मुझे दीजिए। नहीं। कैसा था ट्रिप? First class, successful. कैसी हो माँ? कैसी हूँ, दो दो शेरनियों के बीच मर रही हूँ। हमेशा डर लगा रहता है कि कब आरती उठेगी। ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, एक क्या कम थी दूसरी को भी उठा लाए। माँ, इसमें बुरा क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि प्रेम ने पूजा से शादी कर ली। खुश रहो, खुश रहो, जब मैं मर जाऊंगी तब आंसू बहाना मेरे लिए। माँ की बात का बुरा मत मानना। जीजा जी कम जेठ जी, हम दोनों बहनों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया ना कि अब माँ जी की किसी भी बात का हम पे कोई असर नहीं पड़ता। That's like my sister-in-law.